कोल मेरे बैठ दस की हो गया रब दी फिर नी तेरा की खो किसी ने तेरा छला मोड़ता लगता किसी ने तेरा दिल तोड़ता। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो गाइज, इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइन मास्टर। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो गाइस, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करता हूँ वो सारा मटेरियल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता रहता है। अगर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कुछ भी डाउनलोड करने में दिक्कत होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इन सारे मटेरियल को इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सवाल क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज रिप्लाई जरूर करूँगा। तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 9.16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। सबसे पहले गाइज, आपको करना क्या, आपको सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, एडिटिंग में जाना होगा और आपको इसे कर लेना है फिल स्क्रीन, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइज, आपको करना क्या होगा, आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपना कुछ इमेज को इनपुट कर लेना है जिस इमेज का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो मैं अपने कुछ इमेज को इनपुट कर लेता हूं, आप भी कर लीजिए। तो गाइस, अभी आप देख पा रहे हो मैं अपने कुछ इमेज को इनपुट कर लिया कुछ इस तरीके से। और इसके बाद गाइस, आपको करना है क्या होगा, अगर आपका कोई इमेज सही तरीके से एडजस्ट नहीं होता है स्क्रीन पर, उसके लिए आपको करना है क्या, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है एंड आपको अपने इमेज को जूम करके आप सही तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा एंड आपको इस ऑप्शन में क्लिक करके लॉक कर देना है एंड आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपको करना क्या होगा, आपको इनमें ट्रांजिशन इफेक्ट इनपुट करना होगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना है क्या, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा, प्लस आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको इस इफेक्ट को डाउनलोड करना, आपको मैं दिखाता हूं इस इफेक्ट को आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आपको करना है क्या, आपको इसे स्लाइड कीजिएगा, आपको ऑप्शन मिलेगा गेट मोर का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद गाइस, आपको करना है क्या, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा एक्शन वाले ऑप्शन में एंड आपको नीचे स्लाइड करके जाना होगा, आपको इस जगह पर मिल जाएगा। तो ये गाइस आ चुका है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इस नेम को देख लीजिए, आपको डाउनलोड कर लेना इस इफेक्ट को। इसके बाद गाइस, आपको करना है क्या, सबसे पहले मैं इसे कट कर लेता हूं और आपको इस तरीके से इनपुट कर लेना है और इसका टाइमिंग आपको पर रख लेना कुछ इस तरीके से। फिर आपको दूसरे प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा, उसी इफेक्ट में आपको क्लिक करना होगा और आपको इस तरीके से इनपुट कर लीजिएगा। आप चाहे कोई भी इफेक्ट आपको इनपुट कर लेना, आपको जो अच्छा लगता है अपना इनपुट कर लीजिए, कुछ इस तरीके आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। और आपको फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा, उसी इफेक्ट में क्लिक करना होगा एंड आपको इस तरीके से इनपुट कर लेना, आपको सभी ट्रांजिशन इफेक्ट को इनपुट कर लेना अपने प्लस आइकन पर। तो हम कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने सभी प्लस आइकन पर ट्रांजिशन इफेक्ट इनपुट कर लिया, तो आपको भी कर लेना है। और इसके बाद गाइस, आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको अपने इमेज के सभी लेंथ को आपको छोटा कर लेना है, सभी इमेज के लेंथ को आपको छोटा कर लेना कुछ इस तरीके से। तो आप कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने सभी इमेज के लेंथ को छोटा कर लिया, तो आपको भी कर लेना है। और इसके बाद गाइस, आपको करना है क्या होगा, आपको स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको शैडो पीएनजी को इनपुट कर लेना है। तो गाइस, हम उसे इनपुट कर लेते हैं, तो हमारा शैडो पीएनजी आ चुका है। सबसे पहले आपको करना है क्या होगा, आपको इसे इस तरीके से जूम करके एडजस्ट कर लेना अपने स्क्रीन पर एंड इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड रख लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना, आपको फिर से स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना ब्लैक स्क्रीन वीडियो को इनपुट कर लेना है। तो गाइस, हमारा ब्लैक स्क्रीन वीडियो आ चुका है। सबसे पहले आपको करना है क्या होगा, आप इसे इस तरह जूम कर लीजिएगा एंड आपको इस जगह पर एडजस्टमेंट कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको करना है क्या होगा, आपको नीचे ऑप्शन मिला ब्लेंडिंग का, तो आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, आपको इसे कर लेना है स्क्रीन हो चुका है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपको करना है क्या होगा, आपको फिर से स्टार्टिंग में आना होगा और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेयर का पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको वीडियो इफेक्ट को इनपुट कर लेना है। सो हम उसे इनपुट कर लेते हैं, तो हम उसे ढूंढ लेते हैं। तो गाइस, हमारा वीडियो इफेक्ट आ चुका है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा, आपको नीचे का ऑप्शन ब्लेंडिंग का, तो आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको इसे कर लेना स्क्रीन, तो स्क्रीन हो चुका है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस,
आपको करना क्या होगा, आपको फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना फ्रेम पीएनजी को इनपुट कर लेना है। तो गाइस मैं अपने फ्रेम पीएनजी को इनपुट कर लेता हूं। तो ये हमारा फ्रेम पीएनजी आ चुका है। सबसे पहले आपको करना है कि इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड रखना होगा एंड इसके बाद गाइस आपको करना है क्या होगा, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट करना है। स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने स्टेटस को और लंबा बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको अपना और इमेज को इनपुट करके आप अपने स्टेटस को और लंबा बना सकते हैं। तो गाइस मैं अपने वीडियो को यहीं से कट कर लेता हूं। तो आपको अपने लेयर के ऊपर क्लिक करना होगा, कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना है। तो आपका जो पीछे का फालतू पार्ट है वो कट के हट जाएगा, तो आपको कट कर लेना है। तो इस तरह कट कर लेना आपको, तो मैं कट कर लेता हूं, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस फाइनली हमारा स्टेटस बन के तैयार हो चुका है। तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूं कि हमारा जो स्टेटस वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारे जो स्टेटस वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपना खुद का इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो गाइस आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।